जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर, मैं प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा। और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय, और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन नाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न करूं, तब तक ये मेरा संकल्प कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी भक्तों से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है, एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक एक प्रकार सत्ता हड़प लेना। और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था, लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई, और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर लिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, ये
सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवा दिए। पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है। भोले भाले गिरवासी वनवासी आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है, और भाइयों बहनों उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है यह क्षम्य पाप है। अब याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका अवमान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठी चार्ज करवाती है, तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर घर नल से जल मिला? यहां जल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है, टोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों को हर घर में नल की सुविधा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। आरओ का पानी पहुंचा चुके हैं। बुंदेलखंड में आप जाइए, देखिए हर घर में पानी पहुंच गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास भेजे, आवास मिला क्या आप लोगों को? आप याद करिए, 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए थे, पैसा हड़प लिए। उत्तर प्रदेश में हमने इस दौरान 55 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर करेगी। भैया बहनों, आज यहां का गरीब पूछता है और यह प्रश्न बार बार कर रहा है कि हमन ला तो
नहीं मिली। आप लोग मिली कहा? आप लोग मिली कहा? नहीं मिली ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मिले इसके लिए भाजपा आवश्यक है, इसके लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देगी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान का क्रय और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। यहां तो करते ही नहीं, कांग्रेस की सरकार करती नहीं। कर्जा माफी की बात कहे थे, किए ही नहीं, भूल गए। बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे, भूल गए। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपए भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है। चरण पादुका योजना फिर से लॉन्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5,00,000 रुपए की स्कीम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है, मुख्यमंत्री राहत कोष से 10,00,000 तक पहुंचाने की वायदा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नए उद्योगों के लिए सब्सिडी देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाइयों बहनों, स्कूल जाने वाली बेटियों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार की व्यवस्था दी, फ्री में राशन की सुविधा भी दी और फ्री में वैक्सीन भी दिया। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश जी, आपने क्या दिया? मोदी जी तो मार्च 2020 से आज भी हर गरीब को राशन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपया किलो चावल देश के अंदर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया था। यहाँ के गरीब, वंचित, आदिवासी, बनवासी, दलित सभी को यह योजना का लाभ मिल रहा था। आखिर इन योजनाओं में बंदरबांट क्यों? क्यों इनके साथ धोखा कर रहे हो? ये माइनिंग का पैसा, जिस पैसे को यहां लगना चाहिए था, यहां के विकास के लिए लगना चाहिए था, यहां के नौजवानों के लिए नौकरियों के लिए लगना चाहिए था, यहां विकास की नई नई योजनाओं को बनाने के लिए लगाना चाहिए था, उस योजना का बंदरबांट कैसे? और भाइयों बहनों, इन्हीं बेईमानों और इन्हीं भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। तो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया लोग पाले जाते हैं इन लोगों के द्वारा, उन्हीं माफियाओं को, उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस विकास नहीं, केवल सत्ता को अपनी बपौती समझ करके उसको भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बना देना चाहती है।
लेकिन कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ को मत बनने दीजिए, छत्तीसगढ़ को तो विकास की एक नई इबारत के रूप में, एक नए गढ़ के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का सीधा संवाद होना चाहिए आपको। राम राज्य का लाभ अयोध्या उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बराबर मिले, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो कहा वह करके दिखाया। अब याद करिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी नहीं बनाती, कांग्रेस तो समस्या का नाम है। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की समस्या दी, कांग्रेस अराजकता का नाम है, और कांग्रेस हर उस समस्या का नाम है जिससे एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक आदिवासी, ये सभी जिससे परेशान है, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया था सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया था। छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और समारे की भी बीजेपी ने। 15 वर्ष में विकास की जो एक बड़े बड़ा इमारत खड़ा करने में सफलता प्राप्ति की थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस ने 5 वर्ष में इसको धूल दूषित करने का काम किया। और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, अब न सही वो बदल के, और न सही वो, सभी लोग तैयार हैं, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है, और नहीं सही वो बदल के